गाइस, दिस इज अ बॉय आदित्य भारद्वाज और आज मैं चला हूँ शिमला से नारकंडा की तरफ। और आज का हमारा भी प्लान है दोस्तों वहीं नारकंडा रुकने का है। और मेरे पास तो पर्सनल कैंपिंग के इक्विपमेंट भी है। एक्चुअली वहाँ पे वेदर भी मेरे को देखना पड़ेगा कि ज़्यादा ठंड ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंड हुई तो मैं कैंप नहीं कर पाऊँगा। और बेसिकली मैं चला हूँ अपनी फैमिली ट्रिप के साथ और मैंने सोचा क्यों ना यार रास्ते में ब्लॉग ही कर लिया जाए। तो चलो चलते हैं, वहाँ पर नारकंडा रुकेंगे। तो फाइनली गाइस अभी मैं नारकंडा में आ गया हूँ और यहाँ मेरे जो पीछे कॉटेज देख रहे हो, अगले 3-4 दिन मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ और आपको कॉटेज का टूर भी कराऊंगा, क्योंकि जो कॉटेज है वो टोटली वुडन है और काफ़ी ज़्यादा मेरे को बढ़िया लगा। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये सारे सेब के बगीचे हैं और काफ़ी ज़्यादा एरिया में ये फैला गया हुआ है। या मेरे पीछे ऊपर तक पहाड़ तक देख रहे हो, तो ये जो गाँव है, जो रूरल शिमला है, उसकी जो इकोनॉमी है वो सारे बगीचों पर है। तो मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा और नई नई चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है दोस्तों। इस कॉटेज के साथ साथ अब इस वीडियो में आप ये भी देखोगे कि यहाँ पे आसपास की लोकेशन कौन सी बढ़िया है। अगर आप कभी शिमला आते हो तो नारकंडा भी इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे क्या लोकेशन बेस्ट है। तो वीडियो में बने रहना। तो लेट्स सी, देखते हैं और क्या बनता है हमारा। और 3-4 दिन में जो भी आपको वीडियो का कॉन्टेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, आई होप कि आपको वीडियो में मज़ा आएगा वो वाला। और मेरे को कमेंट में बताना कि आपको लग कैसी रही है ये वाली वीडियो। अभी दोस्तों मैं फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में खड़ा हूँ और सामने से इतना बढ़िया व्यू लग रहा है मेरे को, ठंडी ठंडी यहाँ से हवा चल रही है। दोस्तों पहले तो उसकी शक्ल देखो पहले आप, है ना। और अभी टाइम हो गया है 2:45 बज गए हैं और अभी टाइम हो गया है लंच का। और तो लंच वंच वगैरह करते हैं और शाम को चलेंगे यहाँ पे आसपास टहलने के लिए और देखेंगे कि यहाँ पे क्या नज़ारा है नेचर का। तो हाँ जी दोस्तों, अभी चलते हैं इस हाउस का टूर करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे एंट्रेंस में आपको गैराज बताऊंगा एंड देन उसके बाद सब कुछ रूम्स वगैरह सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो बिना किसी तरीके चलते हैं ना अंदर की तरफ दोस्तों। ओके गाइस, अब चलते हैं हाउस टूर करने के लिए। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे है गैराज और एंड देन गैराज के बाद हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे एंड देन सेकंड फ्लोर पे। तो चलो चलते हैं ना। तो ये जो आप सारा देख रहे हो यहाँ पे सारा मटेरियल गैराज का रखा हुआ है। ये यहाँ पे मशीन, यहाँ पे सब कुछ, मतलब जो भी हाउस इक्विपमेंट जो मस्ट है वो सारे यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि कॉटेज बनाने के लिए वुड का ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसलिए एक्स्ट्रा वुड भी यहाँ पे उन्होंने रखी हुई है। तो अब चलते हैं गाइस ऊपर की तरफ, आ जाओ। तो यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ ऐसे, तो आपको बताएंगे कैमरामैन की कैसे यहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर जो वुडन का बनाया हुआ है कितना ब्यूटीफुल लगता है यहाँ पे। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में खड़ा हूँ और आपको बताता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर दिखता कैसा है, आ जाओ। तो ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल सामने यहाँ पे है डाइनिंग अपनी। ओके, अब मैं आपको ले चलता हूँ किचन में, आ जाओ। तो बिल्कुल साथ ही अपने किचन है यहाँ पे, और किचन कुछ ऐसा दिखता है। और ये अपने भैया यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे ये अपना खाना बनाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि किचन की जो बालकनी है यहाँ से वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। यहाँ पर आप बैठ के आराम से यहाँ पर व्यू का नज़ारा ले सकते हो। अभी आपने देखा किचन, अभी मैं आपको ले चला हूँ फर्स्ट फ्लोर के रूम में। तो चलो
तो फर्स्ट फ्लोर का रूम कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो यहाँ पे अपना सारा हारमोनियम वगैरह रखा हुआ है। एंड देन ये देख रहे हो आप यहाँ पे हुक्का वगैरह भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पे अगर ज़्यादा ही अगर आपको ठंड लग रही है तो यहाँ पे आप आग लगा सकते हो, धुआं चिमनी की वेप से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आगे आओ थोड़ा तो यहाँ पे भी एक बालकनी है, और कितना ब्यूटीफुल लगता है यार यहाँ से, क्या ही बताऊँ मैं आपको। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड जाओगे तो यहाँ पे अपना वॉशरूम है। अब चलते हैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे, तो चलो आओ। और उसके साथ साथ मैं दोस्तों आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो कॉटेज बनाने में जो वुड यूज़ होती है वो देवदार की होती है, और उस उसकी फ्रेगनेंस आती है वो तो क्या ही बताऊँ कि अभी मैं जो कर रहा हूँ, अभी सांस ले रहा हूँ तो उसकी फ्रेगनेंस आ रही है, तो एक थेरेपी जैसा फील आ रहा है। आप सेकंड फ्लोर पे आओगे तो आपको एक वॉशरूम मिलेगा जो कि अटैच है, जो मेरे आप पीछे देख रहे हो। तो चलो अभी मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे रूम की तरफ। तो रूम है वो नीचे से अलग है, तो आपको बताता हूँ कि क्या और इसमें एडवांटेज है अगर आप ऊपर रहते हो तो। तो वैसे ऐसा कुछ यहाँ पे रूम है, और इसमें ये होता है कि अलमीरा में मिल जाती है। आपको लेके आए हूँ अपने रूम में जहाँ पे मैं रात को रुका था, और अगले दो तीन दिन यहीं पे रुकने वाला हूँ। और ये आप रूम देख सकते हो, थोड़ा गंद पड़ा हुआ, मेरे पार्टनर ने डाला हुआ यहाँ पे सारा गंद, जो कि इस कैमरे के पीछे है अभी और हंस रहा है। यहाँ पे लकड़ियाँ लेके या कोयला लेके यहाँ पे हम आग सेक सकते हैं, धुआं ऊपर की तरफ चल जाएगा, रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं राइट साइड में बात करूँ तो ये बालकनी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है सामने, देवदार के वृक्ष यार इतना नेचर को इतनी ब्यूटी प्रदान करते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। तो गाइस अभी आपने कॉटेज का टूर किया है, एंड आई होप कि आपको बढ़िया लगा होगा, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप कहीं भी हिमालयन रीजन में आ रहे हो, हिमाचल साइड या उत्तराखंड भी आप कहीं जाते हो, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार कॉटेज वगैरह एक आध नाइट आप स्टे वहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि कॉटेज वुडन के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं और मोस्टली हिमालयन रीजन में यही पाए जाते हैं। तो इस वीडियो के जरिए मेरा यही माध्यम था कि आपको मैं कॉटेज बताऊँ कि एग्जैक्टली कॉटेज अंदर से होते कैसे हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे सेब के बगीचे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है मेरे को। और अभी सेब का सीज़न नहीं है, यहाँ पे कोई भी सेब अभी लगा नहीं है, लेकिन सीज़न के दौरान काफ़ी ज़्यादा हरा भरा लगता है यहाँ पे। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ जहाँ पे हमें एग्जैक्टली लोकेशन पे जाना है। ऑलराइट गाइस, तो जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था तो मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल जीरो होगी, तो अभी मैं रूम की तरफ आया हूँ वापस और अपना फ़ोन चार्ज किया है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ओवरऑल मेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप शिमला की तरफ आ रहे हो तो इस वैली में आप यहाँ पे आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं तो उसका एड्रेस दे ही दूंगा। तो इस ब्लॉग को दोस्तों करते हैं ना यहीं पे ख़त्म, और नेक्स्ट ब्लॉग दो तीन वीडियोस यहीं की आएंगी, क्योंकि मैं दो तीन दिन यहीं पे अपना स्टे कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको वाली वीडियोस भी बढ़िया लगेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ना दोस्तों, गुड लक।